Students, good morning. In this video lecture, we are discuss on the topic function. Function is a special type of relation. Relation में हम लोगों ने पढ़ा था, relation एक set से दूसरे set के बीच होता है. अब अभी हमने बोला कि फंक्शन इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन डिफाइन एज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट वी इज सेट टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट वी. मींस सेट ए से सेट बी का एक ऐसा रिलेशन फंक्शन कहलाएगा जिसमें सेट ए के एवरी एलिमेंट का सेट बी में एक यूनिक इमेज हमें प्राप्त हो. द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू वी इज डिनोटेड बाई एफ फ्रॉम ए टू वी. इसके लिए एक एग्जाम्पल के द्वारा आप समझें. टेक एन एग्जाम्पल, लेट सेट ए इज इक्वल टू कंटेनिंग एलिमेंट है सेट ए का 1, 2, 3 एंड सेट वी कंटेनिंग एलिमेंट है 4, 5, 6. इसमें देखिए आर वन मीन्स एक रिलेशन मैं नोट कर रहा हूँ. इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है एक्स वाई सच दैट वाई ग्रेटर दैन एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी. अब आप सेट ए और सेट बी के बीच में अगर इस रिलेशन को लिखेंगे तो इस गिवन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिलेशन का जो यहाँ दिया हुआ है आर वन के लिए वो आई इज़ ग्रेटर देन क्या होगा, एक्स होगा. तो अब वन के साथ देखिए ऑर्डर पेयर जब हम बनाएंगे तो 1, 4, 1, 5, 1, 6 सभी इस रिलेशन में आएंगे. फिर टू के साथ भी 2, 4, 2, 5, 2, 6 आएंगे और नेक्स्ट क्या आएगा 3, 4, 3, 5, 3, 6. क्यों? क्योंकि इसका प्रत्येक ऑर्डर पेयर देखिए 1, 5 में 5 इज ग्रेटर दैन 1, 1, 6 में 6 इज ग्रेटर दैन 1 और क्वेश्चन में एक्स वाई टाइप ऑर्डर पेयर आएंगे इस रिलेशन आर वन में. इसमें वाई ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर दैन एक्स होगा. तो ये पहला रिलेशन हमारा हो गया. एक रिलेशन और इसी सेट में लिखते हैं आर टू. आर टू है सेट ए टू सेट वी. इसके डिफिनीशन है देखें आर टू की एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी. अब इस आर टू को रिलेशन आर टू को अगर हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखें तो ऑर्डर पेयर में ये सेट जो बनेगा ये हो जाएगा देखिए 1, 4. क्योंकि अगर हम सेट ए का एलिमेंट 1 लेंगे तो यहाँ y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 प्लस 3 दैट इज़ 4. 2 लेंगे x के प्लेस पे तो 2 प्लस 3, 5 और 3 लेंगे तो 3 प्लस 3, 6. तो इसके कंटेनिंग एलिमेंट हो जाएंगे आर टू के ऑर्डर पेयर 1, 4, 2, 5, 3 एंड 6. स्टूडेंट्स नाउ फॉर्म एंड रिलेशन 3 आर थ्री फ्रॉम ए टू वी. आर थ्री डिफाइन किया हुआ है देखिए एक्स वाई ऑर्डर पेयर इसमें जो होगा एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी. अब देखें सेट ए आपके पास कंटेनिंग एलिमेंट 1, 2, 3 है. सेट बी का कंटेनिंग एलिमेंट क्या है, 4, 5, 6. हमें इस तरह से इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर नोट करने हैं जिसमें क्या होगा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 होगा. तो अगर एक्स के प्लेस पे आप 1 लेते हैं इससे 1 तो 1 प्लस 4 क्या मिलेगा 5. तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या हुआ 1, 5. 2 लेंगे तो क्या मिलेगा 2 प्लस 4, 6. 2, 6 हो गया. अब यदि हम 3 लेते हैं तो 3 प्लस 4, 7 होगा. लेकिन सेट बी में कंटेनिंग एलिमेंट 7 है ही नहीं है. हैंस ओनली 2 ऑर्डर पेयर इन रिलेशन आर थ्री 1, 5 एंड 2, 6. नाउ ये रिलेशन फोर्थ रिलेशन आर फोर फ्रॉम ए टू बी लिखते हैं. आर फोर है देखिए एक्स वाई सच दैट एक्स ग्रेटर दैन वाई फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी.
अब इसमें ऑर्डर पेयर एक्स वाई हमें इस प्रकार का लेना है, जिसमें एक्स यानी फर्स्ट कंपोनेंट इज ऑलवेज ग्रेटर दैन सेकेंड कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट इज ऑलवेज ग्रेटर दैन सेकेंड कंपोनेंट। अब आप सेट ए को देखें तो सेट ए में 1, 2, 3 ही है और 3 भी इसमें किसी एलिमेंट से बड़ा नहीं है, ग्रेटर नहीं है, 1, 2, 3 ऑल इन ऑल लेस दैन 4। तो ऐसे में इस रिलेशन R4 के लिए हमें कोई ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा। तब हम R4 को क्या लिखते हैं, 5, मतलब नो एलिमेंट, जैसे एम्प्टी सेट हम लोग कहते हैं। इस रिलेशन का नाम भी होता है एम्प्टी रिलेशन, ऐसे रिलेशन को। स्टूडेंट यहाँ मैंने 4 रिलेशंस नोट किए हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट वी। फ्रॉम सेट ए टू सेट वी में हमने 4 रिलेशन R1, R2, R3 नोट किया है। बट ये सभी 4 जो हैं ये फंक्शन नहीं हैं, इसमें से R1, R3, R4 ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कंटेन नहीं करता। जैसे अब R3 को देखें, R3 में 1, 5 है, 1 का इमेज 5 है, 2 का इमेज 6 है, लेकिन ये में एक एलिमेंट 3 है, इसका इमेज है ही नहीं है, इसलिए नहीं है। R4 को अगर देखें तो इसमें 1, 2, 3, 4 किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। और अगर R1 जो हमने लिख रखा है, R1 को देखेंगे आप तो R1 में 1 का इमेज 4 भी है, 1 का इमेज 5 भी है, 1 का इमेज 6 भी है, तो यहाँ यूनिक इमेज नहीं है। जबकि आपको जो डिफिनीशन में दिया गया था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ 1 and only 1 इमेज, माने अगर हम फर्स्ट एलिमेंट से 1 लेते हैं तो 1 का हमें एक ही इमेज मिलना चाहिए, लेकिन R1 में 1 के 3 इमेज हैं, 4, 1 का इमेज 5 भी है, 1 का इमेज 6 भी है। इसी प्रकार 2 का इमेज 4 भी है, 2 का इमेज 5 भी है एंड 2 का इमेज 6 भी है। हैंस R1 इज नॉट ए फंक्शन। तो इस तरह से हमने देखा कि R1, R3 एंड R4 इज नॉट ए फंक्शन। बट जब हम R2 को देखते हैं तो R2 फंक्शन के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग है। यहाँ देखिए 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 6 है। मीन्स सेट ए के एवरी एलिमेंट 1, 2, 3 का यूनिक इमेज हमें 1 का इमेज 4, 2 का इमेज 5 और 3 का इमेज 6 इन रिलेशन R2 मिल रहा है। हैंस रिलेशन R2 इज ए फंक्शन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी सेट ए से बी में बहुत सारे रिलेशन लिखे जा सकते हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि हर रिलेशन क्या हो, फंक्शन हो। इसीलिए हमने आपसे बोला कि यह स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन, जो इस फंक्शन की कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा। कंडीशंस क्या है, कंडीशंस है कि सेट ए के एवरी एलिमेंट, जैसे 1, 2, 3 है तो इस 1, 2, 3 का यूनिक इमेज बी में मिलना चाहिए। यूनिक का मतलब जैसे 1 का ओनली 1 इमेज यहाँ मिले, 2 का भी 1 इमेज मिले और 3 का भी 1 इमेज मिले। साथ कभी ये नहीं होना चाहिए कि सेट ए का कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसका इमेज हमें उपलब्ध ना हो। स्टूडेंट्स यहाँ हम एरो डायग्राम से रिप्रेजेंटेड कुछ रिलेशंस में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप इसमें ये कैसे समझेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं। यहाँ देखें सेट एक्स टू सेट वाई में एक विजुअल डायग्राम दिखाया गया है एरो डायग्राम से। तो यहाँ देखें आपको ए का इमेज क्या है क्यू, बी का इमेज क्या है पी, सी का इमेज क्या है आर और डी का इमेज क्या है टी। अब इस तरह का अगर कोई सेट एक्स और सेट वाई के बीच अगर कोई भी आप एरो डायग्राम आप बनाते हो किसी रिलेशन के लिए, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, फंक्शन होगा, क्योंकि सेट एक्स के सभी एलिमेंट्स का यूनिक इमेज सेट बी में वाई में मिल रहा है। सेट एक्स के एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज सेट वाई में मिल रहा है। यहाँ ध्यान दें सेट वाई में एक एलिमेंट यस ऐसा है, यस एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी का भी इमेज नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है, फंक्शन है।
नाउ वी टेक सेकंड एग्जांपल, ये देखें इसमें भी देखिए तो ए बी सी डी सबके इमेज यहाँ उपलब्ध हैं। ए का इमेज क्या है? यस। बी का इमेज पी, सी का इमेज आर एंड डी का इमेज भी एस है। यह भी फंक्शन होगा। यहाँ ध्यान दें एक्स के सभी एलिमेंट का इमेज है, यूनिक है। अब ये भी यहाँ देखने का आपको मिल रहा है कि सेट एक्स के एलिमेंट ये और डी दोनों का सेम इमेज है, तो ऐसा हो सकता है यूनिक इमेज ये भी कहा जाएगा, क्योंकि ये का इमेज ऐसा है और डी का इमेज ऐसा है। तो इस केस में भी ये क्या होगा? फंक्शन होगा। अब आप आइए इसमें देखें, इसमें नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं, सेकंड एरो डायग्राम आप देखें, यह फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ ए का दो इमेज मिल रहा है, ए का इमेज पी भी है और ए का इमेज आर भी है, इसीलिए ये आपका जो बनेगा वो फंक्शन नहीं होगा। रिलेशन हो सकता है लेकिन फंक्शन नहीं होगा। आइज सेम आप इस एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो ये क्यों नहीं है, इसको अच्छे समझिए। ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये का यहाँ यूनिक इमेज नहीं है, ये के दो इमेज हमें मिल रहे हैं, ये का इमेज पी भी है और ये का इमेज आर भी है। सेकंड अगर हम लिखें इसमें तो यह भी नहीं है, यह भी जो विजुअल डायग्राम दिखाया गया है फ्रॉम एक्स टू आई एरो डायग्राम, इसमें यह रिप्रेजेंटेशन भी जो है वो फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि सेट एक्स का एलिमेंट सी का इमेज वाई में उपलब्ध नहीं है। फंक्शन के केस में सेट एक्स के सभी एलिमेंट डोमेन होते हैं और वाई को हम कोडोमेन कहते हैं, तो इस डोमेन में जो सी उपलब्ध है इस सी का कोई इमेज नहीं है, इसीलिए यह फंक्शन नहीं है। स्टूडेंट्स, ये एरो डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंटेशन में रहा पहचानने का तरीका। अब इस रिजल्ट में देखें, अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्म में जब लिखेंगे ऑर्डर पेयर तो ए पी और ए आर बनेगा, ए पी और ए आर, फिर बी पी सी क्यू डी टी बनेगा इस तरह से। तो ऑर्डर पेयर जब हम बनाएंगे तो हम देखेंगे क्या कि इसमें इस फंक्शन के ऑर्डर पेयर में जब ए पी लिखा जाएगा और ए आर लिखा जाएगा तो हमें दिखाई क्या दे रहा है कि दो ऑर्डर पेयर ऐसे मिलेंगे जिसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा? रिपीट होगा। तो किसी भी अगर रोस्टर फॉर्म में लिखे गए किसी रिलेशन में अगर फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट है, दो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट है, तो वह जो होगा वो फंक्शन नहीं रिप्रेजेंट करेगा। एज ए एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हो, ये देखिए एक फंक्शन लिखा हुआ है f इज इक्वल टू 11 12 23 35 47 58। अब ये फंक्शन है कि नहीं तो स्पष्ट आप जाने कि ये फंक्शन नहीं है, f इज़ नॉट ए फंक्शन, बिकॉज 11 एंड 12 में देखिए फर्स्ट कंपोनेंट दोनों में क्या है? रिपीट है। तो अगर ऐसा होगा दिखाई देगा तो फंक्शन नहीं होगा। अगर इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट किसी में भी रिपीट नहीं होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा? फंक्शन होगा। और जब फंक्शन होता है तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट अगर ये फंक्शन है, मान लीजिए अगर कोई ऐसा एग्जांपल जैसे अब हम ये ले लें, देखिए यहाँ फर्स्ट है यक्स इज इक्वल टू ये दिया हुआ है सेट और वाई इज इक्वल टू ये सेट दिया हुआ है, यहाँ पर एक फंक्शन लिखा हुआ है 11 20 37 49 5 13। आपको बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, अगर है तो इसका रेंज बताएं। तो स्टूडेंट्स ये फंक्शन है क्योंकि देखिए किसी भी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट नहीं है, ऐसा नहीं है कि दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो, हैंस इट इज़ ए फंक्शन। अब इसमें अगर हमें रेंज लिखना है तो ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा वही क्या बनता है? रेंज, यानी 1 0 7 9 13, ये क्या बने रेंज हो जाएगा। और अगर फर्स्ट कंपोनेंट नोट करेंगे तो क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या या सेट आप एक्स भी कह सकते हैं, चूँकि एक्स वाई में है
चेक्स के सभी एलिमेंट देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये 1, 2, 3, 4, 5 सबका ऑर्डर पेयर मिलना भी चाहिए, यानी फर्स्ट कंपोनेंट में ये सभी एलिमेंट रहने चाहिए। क्योंकि फंक्शन के केस में अगर फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आई है तो कंप्लीट सेट एक्स इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। थैंक यू।